हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द मिस्टर जीरो शो और मैं हूं मिस्टर जीरो। आई होप कि आपको लास्ट वीडियो पसंद आए होंगे और इस बार भी जो है मैं फिर से कुछ खट्टी कुछ मीठी बात लेकर के आया हूं। खट्टी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे वीडियो में ज्यादातर लोग जो है ऑफेंड हो जाते हैं और सच हमेशा कड़वा होता है। तो चलो यार, आज का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक भाई बहुत ही सेंसिटिव है और इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मुझे अभी इसलिए बनाना पड़ रहा है। एक मिनट, बता ही देता हूँ कि क्यों बना रहा हूँ। भाई सिद्धार्थ शुक्ला के डिमाइस के बाद में उनके ऊपर में कई सारे लोगों ने जो है अपने बाइट्स क्रिएट किए और मीडिया जो है लिटरली माइक लेकर के उनके फैमिली पर्सन के पीछे भाग रही थी। यहाँ तक कि उनके फ्यूनरल पे भी वहाँ पे मीडिया के एक बहुत बड़ा हजूम लगा हुआ था। अब नो डाउट कि यार वो बहुत ही ज्यादा फेमस थे, उनका फैन बेस भी बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता यार कि किसी फ्यूनरल पे जाकर के इस तरह के वाहियात से सवाल करूं। ये तो है मीडिया की बात, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिनसे मिलना मेरी बहुत बड़ी बदकिस्मती थी। अभी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को एंड तक देखने के बाद में अगर आपको अच्छा या बुरा जो भी लगता है लाइक या डिसलाइक करके यार जरूर बताना। ये चैनल जो मेरा स्टार्ट हुआ था वो बिग बॉस के वजह से ही हुआ था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि बिग बॉस के कंटेंट को लेकर के मैं अपने चैनल को स्टार्ट करूंगा, मतलब वहां से 100 दिन का कंटेंट तो इजीली आ जाएगा। तो मैंने कवर करने के चक्कर में शुरू किया और वो इतना अच्छा खासा चल पड़ा कि एक टाइम पे जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके थे उन लोगों से लिटरली फेस टू फेस जाकर के मिल पाया। और वो जो मिल पाया उसके पीछे का रीजन क्या था वो भी मैं बताता हूँ। भाई एक चैनल है फीफा फूज, और जिसमें जो है एक मैडम है, काफी तगड़ी सी है, काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और उनको जो है आपने दृश्यम में भी देखा होगा एज अ रिपोर्टर। इसके अलावा जब सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज के बीच में एक वॉर चल रहा था बिग बॉस घर के अंदर में, मैडम उस वक्त में भी पहुंची थी बिग बॉस के घर में एज अ रिपोर्टर और वहां पे कुछ तीखे सवाल करने वाली थी, और वो सवाल करते ही जो बिग बॉस की फटकार पड़ी, जबकि वो बहुत ही बायस था और ये देखा जाए तो यार बहुत ही सही सवाल कर रही थी मेरे हिसाब से। और उस वक्त में मैं सिद्धार्थ शुक्ला के एकदम स्ट्रांग सपोर्टर हुआ करता था, भले से उनकी मैंने कोई भी सीरियल नहीं देखी हो, कुछ भी नहीं देखा हो, लेकिन जो पर्सनालिटी मैंने बिग बॉस में देखा था मैं अपने घर पे लड़ पड़ता था कि नहीं यार सिद्धार्थ शुक्ला सही है, भले से वो चीखता चिल्लाता हो, लड़ता हो या शॉर्ट टेम्पर हो। और ऐसे लोग जो है ना खुले दिल के होते हैं, गुस्सा है तो सामने है, प्यार है तो सामने है, जो भी है एकदम इन फ्रंट ऑफ यू, नथिंग विल बी आर्टिफिशियल। तो भाई ये सोच करके जो है मैं फैन हुआ करता था, और इन्होंने जो है मुझे कॉल करके बुला लिया था कि आपको मेरे शो में आना है और आपको जो है सवाल करने हैं, आपके मन में जो भी सवाल है। ये सोच करके मैं इनके शो में पहुंचा, बहुत सारे लोगों से मिला, और उस टाइम में थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, शायद शोज ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि मैं उस वक्त में रियलिटी शो के इतने करीब तक कभी भी नहीं पहुंचा था, तो उस वक्त में मुझे लगा शायद शो ऐसे ही चलता है। लेकिन इस बार जो इन्होंने कांड किया है ना बॉस, वो एकदम निंदनीय है। मतलब आप सोचो कि कोई गुजर चुका है, आप उसके मौत के ऊपर में मजाक उड़ा रहे हो। पिछले बार सुशांत सिंह राजपूत के साथ में भी यही हुआ था कि जैसे ही उनकी डिमाइस की खबर आई थी कि वो अब नहीं रहे हैं, उस वक्त में कई सारे लोग जो है अलग अलग थ्योरी लगा करके जो है अपने वीडियोस बनाए जा रहे थे, और उसके पीछे का रीजन क्या था सबको पता है। इस बार जो है सिद्धार्थ शुक्ला के केस में भी यही किया जा रहा है। अब तक देखा जाए तो किसी भी यूट्यूबर ने यह हरकत नहीं की है, पर इनका अच्छा खासा एक बेस है बॉस। अगर आपको लगता है कि ये छोटी मोटी यूट्यूबर है, नहीं, ये पीआर एजेंसीज चलाती हैं। ये ऐसा काम करती है जिसके वजह से किसी सेलिब्रिटी की इमेज को डैमेज या फिर बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इनके यूट्यूब से कोई भी मतलब नहीं है, ये यूट्यूब को सिर्फ एक एजेंडा के तौर पर इस्तेमाल करती है। ये मैडम के साथ साथ एक और बंदा है जिसका थ्योरी जो है हम लोगों ने कई बार जो है एग्री किया है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी इस बार जो है फिर से वही मोड़ देने वाले हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के केस के टाइम में भी इन्होंने वही किया था, इनका एक ट्वीट जो है पूरे बॉलीवुड को हिला डाला था और पूरे बॉलीवुड को जो है पुलिस स्टेशन तक खींच लाया था, जो कि एकदम सही है। जांच किसी भी हालत में होनी चाहिए अगर कुछ गलत हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब फैमिली पर्सन खुद बता रहे हैं, अगर फैमिली पर्सन का कुछ डाउट होता है कि इनके साथ में कुछ हुआ है और हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो भाई अगर ऐसा कुछ आवाज उठाते तो समझ में आता। लेकिन जिस टॉपिक के ऊपर में कोई भी अपना शक जाहिर नहीं कर रहा है, वहीं पे ये मैडम कहती है कि कोई झंडू सा थेरेपिस्ट है फॉरेन में बैठा हुआ, जो कि लास्ट टाइम भी सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा से बात किया था और उसने बता दिया था कि मर्डरर कौन है। तो भाई इस वक्त में जो है सेम थ्योरी को लेकर के चल रही है कि उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के आत्मा से बात किया है। अब देखो इन्होंने डिस्क्लेमर जो है पहले ही डाल दिया वीडियो को स्टार्ट करते समय में कि ये सारी चीजें जो है बिलीव के ऊपर में है, अगर आप इन सभी चीजों पे बिलीव नहीं करते हो तो वीडियो का आगे तक मत देखो। तो भाई आप आगे तक मत देखो बोलने के बावजूद आप जो चीज बना रहे हो ना, वो लोगों के दिमाग में गलत चीजें पहुंचा रहा है, आप जो है ना एक शक पैदा कर रहे हो। जबकि सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली ने खुद मुंबई पुलिस से इस चीज के लिए थैंक कहा है, उनकी जो भी प्राइवेसी थी उसको मेंटेन किया गया और उन्हें अच्छा लगा कि कोई भी ऐसी वैसी चीजें नहीं फैलाई गई जिसकी वजह से फैंस या आम जनता जो है उस चीज
पे भड़क उठे। भाई ये चीज को जो है मेंटेन जब उनकी फैमिली कर रही है, देन हु द हेल आर यू, आप क्यों कर रहे हो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। केआरके का भी पता है कि ये बंदा किस तरह से ऊपर आया है, और जिस तरह से भी आया हो आजकल हर यूट्यूबर ऐसे ही करके ऊपर आते हैं, एक बार फैन बेस जब बन जाता है तो फिर अपना सही और अच्छा चेहरा सामने लेकर आते हैं, जबकि उससे पहले आप किसी की भी अगर बात करो तो गालियां दे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी यार इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर में कोई कैसे इस तरह की वाहियात वीडियो बना सकता है कि भाई उसकी आत्मा से बात किया है। इसके आगे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, जो भी था जैसा भी था ना मैंने बताया है, और इसके आगे बोलना मतलब बहुत बकवास हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ये सारी चीजें सही हो रही है क्या? सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ये सारी चीजें सही है? अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद में इस तरह की सारी चीजें जो एजेंसी कहा करती थी कि हम आपकी इमेज को बना रहे हैं और आप निश्चिंत रहिए अगर आपका इमेज कहीं डैमेज हो रहा है तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, और उसके बाद से उनके गुजर जाने के बाद से ये सारी चीज। That's it from my side। हो सकता है कि आप बोलोगे तू बीच में छोड़ के चला जा रहा है, कोई कंक्लूजन क्यों नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है जनता जो है बेहतर है इन सभी चीजों को समझने के लिए। यू हैव lots ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस टॉपिक, आपको बेहतर समझ है आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। सो मैं आगे और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा, व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट, पता चले मुझे भी कि आप क्या सोच रहे हो, या फिर एज यूजुअल आप गाली देकर के जा सकते हो, देयर इज नो बिग डील।